भाई सेंसर बोर्ड यार क्या करके रहेगा पठान के साथ। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 15K के बहुत ज़्यादा क्लोज है, जल्दी से 15K को कंप्लीट करवा दो। बात करते हैं पठान की, तो भाई पठान के पीछे तो सेंसर बोर्ड कुछ इस तरह से पड़ गया जैसे भाई पठान मूवी ने उसका पता नहीं क्या बिगाड़ लिया हो। एंड अभी रिसेंटली सेंसर बोर्ड के जो क्या कहते हैं जो हेड थे, जो पहले हेड थे अब नहीं है, पास्ट हेड बोल सकते हैं उनको, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि सेंसर बोर्ड अपनी पूरी हिस्ट्री का कुछ ऐसा करने जा रहा है जो कि उसने पहले कभी नहीं किया। अब वो क्या है वो मैं आपको बता दूं, तो भाई सेंसर बोर्ड को मूवी के किसी सीन से प्रॉब्लम नहीं है, जो है वो तो उन्होंने बता दिया कुछ सीन से, उसको मेकर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने कट एडिट कर दिया वो। सेंसर बोर्ड को प्रॉब्लम है बेशरम रंग में, जो दीपिका पादुकोण ने कपड़े पहन रखे उसमें उनके कपड़े के कलर से, कपड़ों से प्रॉब्लम नहीं है कपड़ों के कलर से प्रॉब्लम है, वो ऑरेंज कलर है। एंड जो सेंसर बोर्ड के हेड है उन्होंने बताया कि ये कोई सेंसर बोर्ड का इशू नहीं है, सेंसर बोर्ड के ऊपर भी पीछे से प्रेशर दिया जा रहा है। एंड वो कौन प्रेशर दे रहा है उन्होंने उसका नाम नहीं बताया, आप लोग को पता है तो नीचे कमेंट में बताना। वेल आप भी लोग होशियार हो, समझ तो जाओगे आप भी कौन है वो, क्या चीज़ का प्रेशर आ रहा है। लेकिन भाई ये चीज़ जरूर कही जा रही है, अगर पठान के मेकर्स ने वो सीन को कट कर दिया या उसे एडिट करके उसमें कपड़े का कलर चेंज कर दिया, सो ये भाई किसी भी फिल्म इंडस्ट्री का या सेंसर बोर्ड की हिस्ट्री में पहली ऐसी मूवी होगी या पहला ऐसा सीन होगा जिसके कपड़े के रंग के ऊपर कोई दिक्कत हो रही है। कपड़ों के ऊपर दिक्कत नहीं है, ना सीन के ऊपर दिक्कत है, ना वो किस तरह से प्रोजेक्ट हो रहा है उसके ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है सिर्फ कलर के ऊपर। एंड यही चीज़ सेंसर बोर्ड ने बोल दिया कि भाई इसको कट करो। एंड और भी बहुत सारे सीन्स बोले हैं, ये हमें अभी नहीं पता वो कैसे सीन है मेन है या, इसके बारे में एक और नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम थोड़ा सा क्लियर तरीके से बात करेंगे। सो बस भाई आज की वीडियो यहीं तक की थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।